हेलो ऑल लवली फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह नाश्ते से। मैंने नाश्ते में अपने हस्बैंड के लिए सुबह सुबह ये कड़कदार पराठा बनाया, क्रिस्पी था, जो बहुत मज़े का लग रहा था देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी था, ट्रस्ट मी। और साथ में एग फ्राई दिया उनको नाश्ते में। इसके अलावा मेरी अम्मा हुजूर तो चाय पीती हैं, एज़ यू नो कि वो आजकल हमारी मेहमान हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनका ख्याल रखूँ। और आज जुम्मे का दिन है, तो आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और फिर हम जुम्मे से पारे होकर पहुँचे आज हम साकों पर। हम लोग असर पढ़ के गए थे और वेदर वॉज सो गुड। कभी हल्की बारिश होती थी और कभी थम जाती थी, लेकिन हवा ठंडी थी, बहुत मज़ा आया। वेदर इज़ रियली वेरी वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर किया करें। और प्लीज़ 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 यारों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं साकों पर। अब हम साकों के अंदर गए और साकों इज़ अ बिग स्टोर हेयर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉकरी और बहुत सारे टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं घर से रिलेटेड, ऑफिसेज, घर और स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर आपको मौका मिले तो यू शुड विज़िट दैट प्लेस। और यहाँ पे इनकी प्रमोशंस बहुत अच्छी होती हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चीज़ों की। और आई लव टू गो देयर ऑलवेज, चाहे विंडो शॉपिंग के लिए ही क्यों ना जाऊँ, मुझे यहाँ जाना बहुत पसंद है। एनीवेज, हमने यहाँ पर क्या लेने गए थे और कुछ वो हमें मिला नहीं। एक्चुअली मेरा चॉपर है आईकॉन का, मिनी चॉपर है जो बेसिकली, और वो मेरी मदर को बहुत अच्छा लग रहा है और वो अपने लिए लेना चाह रही हैं। एनीवेज, ये बहुत खूबसूरत कप्स यहाँ पर 3-3 रियाल में लगे हुए थे। फिर वहाँ पर जो मगरिब की अज़ान होगी और हम अंदर लॉक हो गए। फिर मगरिब की अज़ान के बाद नमाज़ का टाइम जब ख़त्म हुआ तो फिर हम वहाँ से बाहर निकले और हमने वहाँ से क्या लिया वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। साकों से आने के बाद हम लोग बीच पे चले गए। वहाँ पे पानी बहुत तेज़ था और अम्मी को बहुत ठंड लग रही थी और हम लोग बाहर ही थी, तो फिर हमने सोचा चलो आज बाहर से ही कुछ खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो खाने के लिए हम लोग जा पहुँचे ग्रेलो। ग्रेलो इज़ रियली वेल नाउड रेस्टोरेंट हेयर और उनका खाना बहुत मज़े का होता है। स्पेशली आई लव देयर शर्मा पाई, सो यमी। लेकिन आज हमने समोसे भी खाए थे। उसके बाद जितनी देर में वहाँ पे हमें टेबल मिलना था, 1 घंटा लगना था, तो वहाँ पर से हम, मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में बैठ गए लेकिन मैं अपनी अम्मी को लेके मैट्स पे चली गई, जहाँ से उन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। मेरी अम्मी ने अपनी पोती के लिए ये एक खूबसूरत सा फ्रॉक लिया, जो मेरी भतीजी है माशाल्लाह ज़ैनब, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और मेरे भाई के लिए साकों से उन्होंने लंच बैग लिया, लेकिन जो हम वहाँ पर लेने गए थे वो हमें नहीं मिला। और ये लंच बैग बहुत अच्छा है, और क्योंकि पाकिस्तान स्पेशली इस्लामाबाद में शॉपर्स बैन हो चुके हैं, तो अम्मी को प्रॉब्लम होती है लंच देते हुए, तो उन्होंने उनके लिए लंच बैग ले लिया। और ये नाइट सूट लिया गया है मेरी भाभी के लिए। इसके बाद ये ट्राउज़र भी उन्हीं का है। इसके अलावा बॉडी शॉप पे बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई थी, बहुत अच्छी प्रमोशन थी। आपको कुछ भी चाहिए तो यू मस्ट गो एंड विजिट और अवेल दिस ऑफ़र। मैंने वहाँ से ये 4 डिफरेंट शेयर्स उठाए हैं लिप ग्लॉस के, और दे आर सो गुड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।